चलिए, आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से आपका नीट में, आईआईटी में एक ही सवाल देखा जाता है अक्सर। किस किस तरह का सवाल देखा जाता है वो हम देखेंगे अभी करके। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पार्ट वन में जो क्लास पढ़ाई थी, पार्ट वन में हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था, ठीक है, गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था। और हमने गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हुए दो इंस्ट्रूमेंट और पढ़ाए थे, एक था आपका एमीटर और दूसरा था आपका वोल्ट मीटर। और इनके ऊपर हमने सवाल भी किए थे, अलग अलग चीजें पढ़ी थी और जो जो हम पढ़ सकते थे सब पढ़ा था। पार्ट टू आज वाली क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आज भी हम दो पढ़ेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। एक पढ़ेंगे हम आपका मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे आपका पोटेंशियो मीटर। और इन दोनों को खत्म करके, इन दोनों को सब समाप्त करके हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये भी क्या होगा, हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपका पार्ट सेकंड। पार्ट वन की वीडियो अगर किसी ना देखी तो प्लीज जाकर देख लेना, सवाल आते हैं इसमें से और इम्पोर्टेंट लेक्चर था, हमने बहुत अच्छे से समझाया भी था उसको। तो पहले हम लेके आते हैं आपका मीटर ब्रिज। भाई मीटर ब्रिज क्या होता है, ठीक है, देखो इस शब्द में नाम लिखा हुआ है आपका, दो नाम आपको देखने हैं। अगर आपने इन दो शब्दों पर ध्यान दे दिया तो आपको मीटर ब्रिज पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, मेरी गारंटी है। आपको बस ध्यान देना है दो शब्दों पर। वो शब्द क्या है आपका, वो शब्द है आपका, पहला शब्द है ये मीटर, पहला शब्द है आपका मीटर और दूसरा शब्द है आपका ब्रिज। आज से पहले आपने कहीं ब्रिज का नाम सुना है क्या? तो हमें याद आता है, हाँ सर हमने एक जगह नाम सुना था जिसका नाम था व्हीट स्टोन ब्रिज। सर हमने इससे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है, तो उसी नाम से आया है ये ब्रिज, ठीक है। और ये मीटर नाम से मतलब क्या है, इस मीटर का नाम का मतलब है कि आपके पास में एक मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का क्या होगा, एक कंडक्टिंग वायर होगा। 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का क्या होगा आपका, कंडक्टिंग वायर होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं डिफाइन करूँ मीटर ब्रिज होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी सरल सी प्यारी सी भाषा में अगर मैं आपको डिफाइन करूँ कि मीटर ब्रिज क्या होता है, पहली बात तो इट इज अ वेरी सेंसिबल डिवाइस। इट इज अ वेरी सेंसिबल नहीं सॉरी सेंसिटिव, सेंसिबल तो दिमाग वाला होता है, सेंसिटिव होता है जो आपका छोटी मोटी चीजों से प्रभावित होता है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। सेंसिटिव मतलब थोड़े बहुत चेंज से इसके अंदर आपको अच्छी खासी वैल्यू चेंज देखने को मिलता है। दूसरी बात, सेंसिटिव ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये आपका क्या होता है, तो पहली बात इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। मतलब व्हीट और वो भी कौन सा आपका, अगर मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात करूं, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था वो तो आपको याद होगा, ठीक है, बाकी एक बार रिपीट कर दूंगा तो और समझ आ जाएगा। तीसरी बात, करता क्या है, it is used to find the resistance of a conducting wire, ठीक है, which is generally of length 1 meter, 1 meter, या famously हम उसको 100 सेंटीमीटर ही लिख रहे हैं। 1 meter 100 सेंटीमीटर के बराबर ही है। फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ उसको बार बार, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। तो मीटर ब्रिज के बारे में क्या बताया आपको, ये तीन चार चीज अगर आपको पता है मीटर ब्रिज के बारे में तो उसके सवाल आप बड़े आराम से लगा सकते हो, कोई बड़ी परेशानी वाली बात होगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपका मीटर ब्रिज क्या होता है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी यहाँ पे कि मीटर ब्रिज होता क्या है। अगर मैं वापस समझाऊं उसको कि वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और 1 मीटर के कंडक्टिंग वायर के दोनों चीजों को मिला के बना हुआ शब्द है, दोनों चीजों को मिला के बना हुआ शब्द है। अगर मैं फिर से यहाँ पे लौट के आऊं कि भाई वो क्या होता है आपका, तो यहाँ पे अगर मैं लौट के आऊँ आपका कि भाई होता क्या है एक्चुअली वो, तो वो और कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपका इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, मतलब बहुत ही अच्छा सेंसिटिव डिवाइस होता है। मतलब कि अगर छोटे से चेंज में आपको अच्छी खासी वो वैल्यू शो कर देता है। अगर आगे ही बात करें हम इस पर कि क्या होता है आपका, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर मैं इसको और परफेक्टली बोलना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे बैलेंस शब्द आना चाहिए, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज तो अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान देंगे आपके। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड
वीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ये बेस्ड होता है आपका अच्छे से। चलिए उसके बाद क्या है, ये क्यों होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, मैंने लिखना भूल गया, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर जिसकी जो जनरली लेंथ होती है, जिसकी जो जनरली इसकी जो लेंथ होती है वो हम 1 मीटर की लेके चलते हैं या फिर 100 सेंटीमीटर। और क्योंकि इसका नाम 1 मीटर लेके चलते हैं इसीलिए इसका नाम क्या होता है, 1 मीटर का मतलब मीटर और आपका ब्रिज का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या है आपका शब्द वो आया मीटर ब्रिज। तो दो शब्दों का अगर आपको यूज पता है सो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये तो होगा इसकी थ्योरी, अब बेसिकली बातें करते हैं हम इसके बारे में, बेसिकली बात करते हैं इसका डायग्राम क्या होता है, कैसा दिखता है आपको और कैसे निकालते हैं चीजों को। कभी कभी आपके अननोन रेजिस्टेंसेस को निकालने के भी काम आता है, कभी कभी आपके अननोन, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंसेस, इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, मैं बोलूंगा कभी कभी कुछ अननोन रेजिस्टेंस होते हैं आपके सर्किट में उनको फाइंड आउट करने का भी ये अच्छा खासा रोल करता है प्ले। ठीक है, कैसे करता है उसको हम आप देखेंगे, कुछ अननोन रेजिस्टेंस के लिए और कुछ अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, कैसे करते हो उस पर हमारा सारा फोकस होने वाला है, इसके ध्यान देना। तो हम इसको समझते हैं आपके डायग्राम के थ्रू, इसके समझते हैं डायग्राम के थ्रू, तो ध्यान देना। तो पहली बात तो आपका इतना पक्का है कि ये आपका क्या करेगा, ये आपका बीच में पेन लेना बंद करता है कभी कभी, ठीक है मेरे। तो मैंने क्या कहा, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल भी करता है, सबसे काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही वाला पॉइंट है। तो देखिए कैसे करता है, मान लीजिए अपन ने एक सर्किट बनाया आपके सामने, हमने क्या किया आपके सामने एक सर्किट बनाया इस तरीके से, ध्यान देना कि भाई मैंने बोला कि यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस लगा है आर, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे है और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का मेरा कहने का सिंपल सा इतना मतलब है कि इसके अंदर का रेजिस्टेंस कितना है उसका मुझे पता ही नहीं, उसको मैंने आर एस कह दिया, मुझे कितना रेजिस्टेंस है मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ आपका एक सिंपल सा एक मोटा सा वायर लगाता हूँ, बस बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता पर हाँ ठीक ठाक सा मोटा होता है, एक वायर से लगाता हूँ रेक्टेंगुलर शेप का, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इस हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या किया एक इस तरह से यहाँ पे वायर लगा दिया और फिर मैंने क्या किया, ये एक वायर है जिसके अंदर पूरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वायर है, एक रेजिस्टेंस वायर है, वायर के अंदर पूरा रेजिस्टेंस भरा पड़ा, एक मोटा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कहीं से आपका एक तार लिया, उसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर लगा के उसको मैंने इस पे लगाया, इसको हमने ऐसे फिक्स कर दिया, इसको हम बोलते हैं जॉकी, नाम वाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम बोलते हैं जॉकी, ठीक है। जॉकी का सिंपल मेरा मतलब क्या हो गया कहने का, जॉकी से मेरा सिंपल मतलब ये हो गया कहने का, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हमने बोल दिया अपना जॉकी एक तरीके से। तो अगर बात करें जॉकी के बारे में, तो जॉकी का क्या काम है, तो कुछ काम नहीं है, इसको मैंने बोल दिया छोटा सा, ये हो गया आपका जॉकी। जॉकी को का मतलब क्या हो गया, इसको हम आगे पीछे करते हैं और हम तब तक ये चेक करते हैं, इसको इसको कभी इधर लेके जाएंगे कभी इधर लेके जाएंगे और तब तक इसको आगे पीछे मूव करते रहेंगे, तब तक इसको आगे पीछे मूव करते रहेंगे जब तक कि इसकी जो रीडिंग है, इसकी जो रीडिंग है जी की वैल्यू की, वो रीडिंग आपकी जीरो ना दिखा दे। आप इसको आगे पीछे करते रहो कब तक, जब तक इसकी वैल्यू आपको क्या ना दिखा दे, आपको जीरो ना दिखा दे। और इसके नीचे क्या लगा होगा, इसके नीचे आपका लगा होता है एक तरह से कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है। उस बैटरी से आपको कोई मतलब है नहीं, उस बैटरी से आपको कोई मतलब है नहीं एक्चुअली, बस फर्क क्या है, तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो इस पूरे की लेंथ हम अक्सर क्या लेके चलते हैं, इस पूरे की लेंथ हम एल मान लेते हैं और इस एल की वैल्यू क्या होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 मीटर होती है, इसलिए उसका नाम है मीटर, ठीक है। और मैंने बोला कि एक्स पे आके, इस एक्स डिस्टेंस पे आके
आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है आपका रीडिंग जीरो मिलती है। तो अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका एल माइनस एक्स। अगर कुछ नहीं दिया एल के बारे में तो आप उसको सिंपल क्या ले लोगे, 100 ले लोगे। तो ये आपका सेटअप है। फिर से बताऊँ सेटअप में होता है कि आपने एक बैटरी लगाई, इस तरह से कंडक्टिंग वायर लगाया बीच में, इस तरह से आपने एक कंडक्टिंग वायर लगाई, ये क्या है आपका एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी पता हो सकता, जिसका रेजिस्टेंस आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी पता हो सकता। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि हो गया आपका एक अननोन रेजिस्टेंस। आपको उस अननोन रेजिस्टेंस की ही वैल्यू निकालनी है। आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं अननोन रेजिस्टेंस होते हैं। इस आर की मैं बात करूं तो इस आर का क्या है आपको, इसका रेजिस्टेंस नोन है, दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस है आपका। तो कभी कभी हम नोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, कभी कभी हम इसको लोड बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस पता होता है कभी कभी हम लोड बोल देते हैं। तो इस हिसाब से सारी कहानी हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। अब वो क्या रहा है कि हम इस जॉकी को आगे पीछे मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक कि आपकी इसकी वैल्यू रीडिंग क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो ना, अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो तो ये तुम्हारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। कैसे, देखो सर यहाँ पे एक हो गया आर, बिल्कुल हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा आर एस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कुछ एक्स हो गया, आर एक्स बोल दो उसको, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कुछ आर एल माइनस एक्स बोल दो, और बीच में तुम्हारा कुछ है जो गैल्वेनेटर, उसकी वैल्यू को जीरो करना है। अगर उसकी वैल्यू को जीरो करना है तो अगर ढंग से देखो तो तुम्हें और कुछ नहीं, क्या दिख रहा है ये सर मुझे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर अंदर वाली बीच वाली वैल्यू जीरो है, उसमें करंट जीरो है, तब आपका ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है। अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है तो सिंपल सी बात मैं ये भी बोल सकता हूँ, सर इसमें मुझे करना क्या होगा, फिर कुछ नहीं। बैलेंस व्हीट स्टोन में मैंने आपको जो तरीका बताया है करने का, जो तरीका बताया वही आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। मतलब सर इसका क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, याद हो तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन की कंडीशन क्या हो जाती है, वो हो जाएगी आर अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर एल माइनस एक्स। जो आप चीज वहां पढ़ के आया उसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ नहीं। निकालना मुझे किसको है, निकालना मुझे इसको है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, आर एस इज इक्वल टू आर एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर एक्स इंटू आर लिख सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं यहाँ से आपके आर एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अब सुनो आगे का बात काम की है। मैंने बोला सर ये तो आर आपको गिवन है, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, इसका तो कुछ नहीं करोगे आप। अगर मैं बात करता हूँ अब इसकी आर एल माइनस एक्स और आर एक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक बात पे ये गौर करना है, एक बात पे ये गौर करना सर, मैं जानता हूँ कि ये जो आर एल माइनस एक्स है और ये आर एक्स है ये किसके हैं सर, ये जो मैंने मोटा सा वायर यहाँ पे वायर बनाया था उसी के तो है, बिल्कुल। और सर मैं जानता हूँ, बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, किसी भी कंडक्टर के लिए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। मतलब किसी भी चीज के लिए जब मैं रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो किसी भी फॉर एनी रेजिस्टेंस, किसी का भी जब रेजिस्टेंस लिखते हो तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय लिखते हो। आई होप कि ये फॉर्मूला सबको याद होगा। तो अगर मैं ये बात फॉलो यहाँ पे करूँ, अगर मैं यही वाली बात यहाँ पे फॉलो करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, देखिए अगर मैं ये वाली बात यहाँ पे फॉलो करूँ तो मैं सिंपली एक बात बोल सकता हूँ सर, देखिए कि यहाँ पे आप ये बोल पाओगे कि यहाँ पे आर एल माइनस एक्स हो क्या, आप लिखते हो रो एल माइनस एक्स अपॉन ए बोल सकते हो। सिमिलरली आप नीचे क्या लिखते हो, रो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ तो एक्स है अपॉन ए बोल सकते हो, साथ में आर तो जो आपको गिवन है मल्टीप्लाई कर ही दोगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर काटापिटी मचाओगे तो ए से ए को खाओगे, रो से रो को खाओगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारा आर एस बचेगा क्या सर, आर एस बचेगा आपका एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स। मैं इसको इस तरह और साथ में लिखूँ, मैं इसको इस तरह लिख याद करने की हिदायत नहीं देता, याद करने का तरीका ही है ये कि आप इसको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ही लिखो, आर एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह लिखो। अगर इस तरह लिखोगे तो सवाल को जल्दी कर पाओगे और यही बस सवाल है। इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से यूज करके आप बस यही सवाल आते हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं आपके सामने मीटर ब्रिज वापस बनाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे सवाल आएगा तो कितना जल्दी जल्दी उसको कैसे करना है। तो देखो मीटर ब्रिज का आएगा ना तो आपको नीचे वाली बैटरी से कोई मतलब नहीं होता, आपको जो भी सवाल दिया गया होगा वो किस तरह से होगा, देखिए कि सर देखिए ये मेरा नॉन रेजिस्टेंस होगा और उसके आगे मेरा एक रेजिस्टेंस होगा आर एस, जो कि मेरा क्या होगा आपका अननोन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होगा आपका जिसकी रीडिंग मुझे क्या करनी है, जीरो करनी है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक जॉकी जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इस एंड से वो मान लो एक्स दूरी पर है और इस एंड से मान लो आपका कुछ यहाँ तक जाएंगे, अगर यहाँ तक गया तो इस दूरी यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है आपका एल माइनस एक्स है। अगर कुछ ना हो जाए, इसके नीचे आपका सर्किट लगा पर उससे मतलब नहीं है आपको, अगर कुछ ना दिया जाए तो एल को क्या लेते हो 1 मीटर, हमेशा उसको 100 सेंटीमीटर ही लेना क्योंकि ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी तो उसको सेंटीमीटर में देता है हमेशा। उसके बाद कुछ नहीं करना,
आप जानते हो सर मैं बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज में शॉर्ट में लिख रहा हूँ WSB का कंसेप्ट क्या होता है आपका, वो होता है सर आर अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ के रेजिस्टेंस को आर एक्स लिखने की जरूरत है, सिंपल एक्स लिखो, सीधे एक्स लिखो, इज इक्वल टू यहाँ पे आर एस अपॉन सीधे एल माइनस एक्स लिखो, तो तुम्हें क्या निकालना है आर एस निकालना है, तो इस तरह याद करो आर एस अपॉन आर इज इक्वल टू एल माइनस अपॉन एक्स, तो इस तरह से अगर करोगे तो तुम्हारा आंसर निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और इस तरीके से तुम क्या निकालते हो अपना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी अननोन रेजिस्टेंस का, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस पता करना हो तो इस तरीके से तुम उसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। आई होप कि ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया है, आई होप कि ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया है मीटर ब्रिज का सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ। चलिए देखिए इस सवाल में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है वैसे तो, तुम अगर ध्यान दो तो मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या करनी है आपको, जीरो करनी है, मीटर ब्रिज है आपका, और बोला कि एस की वैल्यू क्या होगी पता करना है आपको, वो कुछ नहीं करना है सर। देखिए जब मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज किसके ऊपर काम करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है आपका, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो मुझे इस सिस्टम को यहाँ पे देखना है, देखो अगर ये 20 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा सर, कुछ नहीं देखा तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा। अब करना क्या है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का लगा तो कॉन्सेप्ट 55, क्या लिख सकते हो 55 अपॉन इसकी नीचे वाली लेंथ 20, ठीक है, इज इक्वल टू एस अपॉन सीधे कितनी लेंथ 80, बस निकल के आ जाएगा यहाँ से, क्या मतलब क्या लोग तुम लोग इंतजार कर रहे हो, यहाँ से एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी 220 ओम आ जाएगी, एस की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हें 220 ओम आती है, नहीं आ रहा क्या, नहीं हो पा रहा क्या तुमसे, आ गया तो आंसर क्यों नहीं बताते बेसर में। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर। चलो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक नया सवाल आ गया है, सवाल क्या है आपका ये सुनना मेरे साथ में, सवाल को ध्यान सुनना, सवाल बहुत बड़ा है बच्चे, एक एक करके करोगे सवाल को तभी समझ पाओगे। सवाल आपको बोल रखा है कि इन अ मीटर ब्रिज द नल डिफ्लेक्शन इज शोन ऑन द गैल्वेनोमीटर व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड सी फोर, इस फिगर के हिसाब से आपको बोल रखा है, इस फिगर ध्यान देना, इस फिगर के हिसाब से आपको क्या बोल रखा है कि नल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट में बताया जो 30 सेंटीमीटर है, अगर ये 30 होगा पहले मैं इसी से केस पे बताऊँ, आगे अभी कुछ नहीं करा 70, तो उसके हिसाब से मैं इतना तो बोल सकता हूँ सर क्या कि आपका आर अपॉन 30 इज इक्वल टू एस अपॉन 70 बोल सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, तो यहाँ से अभी मुझे ना आर पता ना एस पता, तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि आर अपॉन एस इज इक्वल टू आप 3/7 तो बोल सकते हो, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो सर आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो 3/7 एस होगी, ठीक है, ये पहला रिलेशन निकल के आ गया आपका आर और एस में। बेटा जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आपको चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मतलब आपको आर और एस दो चीजें पता करनी है ना, कम से कम उस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में दो इक्वेशन तो होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन आ गई, अब दूसरी क्वेश्चन कहाँ से आएगी समझना इस बात को, दूसरी क्वेश्चन कहाँ से आएगी प्लीज ढंग से समझ। फिर बाद में होता है कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज अप्लाइड पैरेलल टू द अननोन, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन कौन सा है सर एस वाला अननोन है, देन द नल डिफ्लेक्शन नाउ इज एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम एंड, बोलता है कि मैं क्या करता हूँ आपका मानशु, नहीं गंदी बात, हटाओ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपका यहाँ पे, मैं ये बोल रहा था आपका कि दूसरे किसी क्या व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज अप्लाइड पैरेलल टू द अननोन, अननोन मतलब क्या किया मैंने, जो पहले वाला था वो तो था ही, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो पहले वाला सिस्टम था वो था ही, बस मैंने क्या किया इस एस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का, उस एस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया आपका 10 ओम का, और उस तरह से पहले चीज चल रही थी आपकी, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, बस क्या बोलता है अब जो आपकी रीडिंग जीरो जहाँ पे आती है गैल्वेनोमीटर की, वो 30 पे ना आके सिस्टम में चेंज हुआ है ना, वो कहीं और आती है, वो कहाँ पे आती है, वो आपके 50 सेंटीमीटर पे आती है, वो आपके 50 सेंटीमीटर पे आती है, पहले 30 पे थी अब किस पे आ रही है 50 पे थी, बचा हुआ भी कितना हो जाएगा सर, बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। जब अब मैं क्या लिख पाऊंगा सुनना, अब ध्यान सुनना चीजों पर, तो अब यहाँ पे अब आपका एस नहीं थे सिर्फ, अब यहाँ पे आपका सिर्फ एस नहीं है, अब यहाँ पे आपका सिर्फ एस नहीं है, अब क्या है यहाँ पे आपका, अगर मैं ध्यान दूं तो ये एक साथ है ना आपका, एक साथ है, तो
इस पूरे को आपको लेके चलना पड़ेगा। उस पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस होगा आपका, मैंने बताया था ना, 10 × s / 2 दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो 10 + s, ये हो जाएगा यहाँ का रेजिस्टेंस। तो इस बार जो मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्वेश्चन लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा दूसरे केस में आपका, वो लिखूंगा आपका R/50 इज इक्वल टू आपका 10 × s / 10 + s डिवाइडेड बाय 50। ये मैंने पूरी क्वेश्चन लिखी आपकी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अच्छी बात क्या है, 50 और 50 आप कट जाएंगे, यहाँ से R इज इक्वल टू आपका क्या होगा 10 s / 10 + s होगा। अच्छा R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ आपकी, क्या यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ आपकी 3/7 s इज इक्वल टू 10 s / 10 + s। ये मैं सोचना कि ऐसे सवाल आ नहीं सकते हैं, अच्छा सवाल है बहुत ही, पर आ सकता है। यहाँ से s कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मैं जब उसको सॉल्व करता हूँ तो 30 + 3 s इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, यानी s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40/3 ओम आ जाएगी। जैसे ही s आ गया उसके बाद तो r कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं, ये है आपका r, ये है आपका r, r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सर वो है आपका 3/7 s। ठीक है, s की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसकी वैल्यू 40/3 हो जाएगी, तो इसको काट अपनी कीमत बचाओगे, r की वैल्यू क्या पाओगे 40/7। जल्दी से बोल जाओ तुम्हारे सामने आया कि नहीं आया, कोई भी स्टेप कहीं भी दिक्कत हुई हो तो मुझे बता दो, बस क्वेश्चन को आपको पार्ट्स में करना है, ढंग से सॉल्व करना है, छोटा मोटा सॉल्व करने का तरीका है आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी बताओ सामने आया कि नहीं आया। उसके बाद हम आगे, मैंने कहा कि आपका जनरली जो सवाल आते हैं ईजी टाइप में जो सवाल है वो ईजी टाइप में सवाल इस तरह के होंगे कि सिंपल आपका ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, ये दे दिया, बस आपने ये वाला क्वेश्चन रखा आंसर निकाल दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट में और IIT में आते हैं वो ऐसे आते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपके इस तरह के होते हैं, जैसे ये वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, नीट में ये मत मानना कि सारे सवाल बहुत आसान होते हैं, एक सवाल हार्ड तो आएगा ही, आपको उसी हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना है कि आपको उस क्वेश्चन अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के सही होगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ टुडेज, इसके बाद जो भी हम नेक्स्ट होगा आपका उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पोटेंशियोमीटर खत्म कर देंगे। प्लीज आपसे गुजारिश है कि चुपचाप से जाके मीटर ब्रिज की क्लास को पढ़ना, अगर समझ में ना आया हो तो वापस पढ़ना, और उसके बाद फिर जाके प्लीज अच्छे से किसी भी जगह से आपको जहाँ से मीटर ब्रिज के सवाल मिले उनको लगाना। आई होप कुछ वो समझ में आ जाएंगे आपको, और नहीं रहे आए समझ में तो डाउट तो आप पूछ सकते हो डिस्कशन ग्रुप पे हमारे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं अच्छा वाला, उसके बाद फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार मैं पढ़ देता हूँ, और कहीं भी कोई भी शब्द में दिक्कत होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 20 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट लैप, नहीं होगा गैप होगा, लेफ्ट गैप एक ही बात है, लेफ्ट गैप एंड एन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। आगे बोल रखा है द नेट डिफ्लेक्शन पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 40 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इंटरसेक्टिंग। बोलता है कि आपका जो वो है आपका जो शिफ्ट हो गया, मान लो मैंने क्या किया आपका आर और एस जो थे, अब मैंने एस और आर बना दिया, तो उससे क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन पॉइंट एंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो गया आपका लेफ्ट की तरफ 40 सेंटीमीटर से। ठीक है, पूछा है सवाल में व्हेन द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, ठीक है सवाल में पूछा है बताओ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो आपको डायग्राम भी खुद से बना के करना होगा, करिए इसको एक बार ट्राई करिए फिर तो मैं करूँगा आपके लिए इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग की, तो सवाल क्या देखा है उसके हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। 20 ओम का रजिस्टर है लेफ्ट गैप में लगा हुआ है आपके, एस मान लेते हैं हम अननोन को, तो वो आपका राइट गैप में है और फिर मिडिल ब्रिज। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं, फिर इस तरह से क्या होगा आपका नल डिफ्लेक्शन आएगा। मुझे नहीं पता कहाँ आ रहा है, इस बार कुछ दिया ही नहीं गया, पर मुझे बता रखा है कि मीटर ब्रिज पे लगा हुआ है इस तरह से, बाकी जो नीचे का सर्किट से मुझे मतलब होता नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि सर कहाँ पर जीरो आएगा, ये तो दे नहीं रखा, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कुछ एक्स, अपनी तरफ से कुछ मान लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक्स पे आपका जीरो आ रहा होगा, और अगर ये एक्स है तो बचा हुआ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 100 - x, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं ना हमेशा हम अपने हिसाब से, तो 100 - x होगा। ठीक है, तो अगर इस वाले केस के हिसाब से मैं अपने इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 20/x is equal to s/100 - x लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी यहाँ से। अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको s is equal to 20 × 100 - x / x लिख सकता हूँ। आगे बात समझ, बिल्कुल आगे से बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फिर से दो वेरिएबल है,
ना आपको एक्स पता ना आपको एस पता, तो आपको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देगा, नई इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, बोला कि द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 40 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज। मतलब बोलता है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, मतलब आपका एस मैंने यहाँ पे लगा दिया अननोन वाला, और आपका जो आर है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया जो कि नोन वाला है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, उस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो कहाँ जीरो होती है, वो आपकी 40 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब पहले कहाँ थी, पहले अगर वो एक्स पे थी, ध्यान देना पहले वो एक्स पे थी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना था, वो एल माइनस एक्स था। अब वो क्या कर गई आपकी, शिफ्ट कर गई, कितने से सर, वो आपकी लेफ्ट शिफ्ट कर गई 40 से, लेफ्ट शिफ्ट कर गई आपकी 40 से, अगर वो लेफ्ट शिफ्ट कर गई आपकी 40 से, तो अब कहाँ ये कितना बचा सर, अब ये बचा आपका x माइनस 40 बचा ना, अब कितना बचा ये x माइनस 40 बचा, अगर ये x माइनस 40 बचा तो ये कितना हो गया, तो हर दिमाग लगाने वाला बच्चा सोचता है सर पहले l माइनस x था इसमें 40 जुड़ जाएगा, तो l माइनस x प्लस 40, अरे यही तो है ना, डिस्टेंस तो सेम का सेम रहेगा, टोटल लेंथ तो सेम रहेगी ना, कोई x माइनस 40 था, अब पहले इतना ही l माइनस x था, इसमें अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसमें इतना जुड़ गया ना, बिल्कुल सही बात तो है, वहां इतना जुड़ गया तो ये l माइनस, तो इस बार जब रिलेशन निकलोगे क्या लिखोगे, s अपॉन x माइनस 40 इज इक्वल टू 20 अपॉन, लिखोगे ये वाला डिस्टेंस, यानी l माइनस x प्लस 40 लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। अब बढ़ते हैं आगे, अब अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ सर, अब मुझे एल और एक्स से सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व करना है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी, पर तुम्हारे लिए थोड़ी हिंट देता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 40, अच्छा इस एल को, ये एल क्या है, ये एल कहाँ से आया, तो ये 100 है, 100 एक्स माइनस 40 अपॉन 100 माइनस एक्स, अच्छा 100 माइनस एक्स, ये सॉरी 100 है ना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 140 माइनस एक्स हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ डायरेक्टली, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ आपको 140 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं क्या करूँ सर, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है आप फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दो, बेस्ट तरीका क्या है आप एक्स निकाल लो किसी भी तरह से, तो आप फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, उससे क्या फायदा होगा सर, उससे आपका देखो यार डिवाइड कर दो, या इतना भी बोल सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्या है आपकी इक्वल है, ये दोनों एक्स के बराबर है, यहाँ से बिल्कुल बराबर, दोनों इक्वल कर दो, 20 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू आपका 20 इंटू एक्स माइनस 40 डिवाइडेड बाय 140 माइनस एक्स, यहाँ से 20 और 20 कर जाएंगे, अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छा अच्छी क्वेश्चन बन जाएगी, इसको सॉल्व करने में लगेगा आपको टाइम, क्योंकि ये बनेगी आपकी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो आपको लगानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, जब इसको आप थोड़ा सा भी सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपके क्वेश्चन बनेगी, लेकिन इतना पक्का है कि बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा सॉल्व वो देखो, अगर उसकी बात करता हूँ मैं तो देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं कुछ नहीं, 140 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 140 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स माइनस 40, देखो इन क्वेश्चन में थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा बच्चों के बच्चे ही ढूंढना, बिल्कुल कैलकुलेशन आएगी नहीं कभी आपके, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14,000 माइनस 140 एक्स, बाकी आप क्या लिखोगे आप माइनस 100 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40, कुछ लोगों की सांस में सांस आई होगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहाँ से एक्स स्क्वायर को काट सकते हो, अब क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी रह गया, यहाँ पे क्या बचेगा 14,000 माइनस ये हो जाएगा 240 एक्स इज इक्वल टू, दो चार लोग सोच रहे हैं ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं, जल्दी यहाँ से आ गया कुछ लोगों का, ऐसे तो कुछ किया ही नहीं हमने, इज इक्वल टू जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 200 एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, इट विल कम आउट टू बी 14,000 डिवाइडेड बाय 200, जिससे काटा पीटी मचाएंगे तो आपका आंसर जो एक्स का निकल के आएगा, याद रखना एक्स का आंसर 100% आपका एक्स का आंसर 100 से कम आना चाहिए, एक्स का आंसर अगर 100 से बढ़ा गया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल लेंथ ही 100 है, उससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 70,
एक बार एक्स की वैल्यू निकल के आ गई तो तुम चाहे इसमें पटक दो एक्स की वैल्यू, चाहे इसमें पटक दो, आंसर कहीं से भी आ जाएगा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 70 इन कोई भी पटक दो, फर्स्ट फर्स्ट थोड़ी इजी लगेगी देखने में। तो जब वहां पे आप पटकते हो, जब वहां पे आप पटकते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से आपकी, एस की वैल्यू इज इक्वल टू 20 इंटू 100 माइनस एक्स यानी 70, 100 माइनस 70 यानी आपका 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स क्या है 70 है, यहाँ से पार्ट आप यूटी में चाहो आंसर निकाल लो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इट विल कम आउट टू बी 3 × 6 यानी 60/7 ओम निकल जाएगा। किसी का भी आंसर नहीं आएगा ऐसा दूर दूर तक। पहले बताओ जल्दी से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व में आया कि नहीं आया, हार्ड है आसान है ये है वो है। आप लोग इतने दिनों से मेरे से पढ़ रहे हो इतना तो आपको पता लग ही चुका होगा कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो ये सेकेंडरी होता है, मेरे लिए मेन है कि आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा, आई होप कि हर बच्चे को इस आंसर आपका समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब सुनो तो मतलब मीटर बेस में मेरे ख्याल से इतना ही, मीटर बेस में इससे अच्छे सवाल आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। बस ये है कि अब आपकी प्रैक्टिस है, अब ये है कि आपकी प्रैक्टिस है कि आप कहाँ कहाँ सवाल लगा सकते हो। तो मेरा कहना है कि मॉड्यूल उठाओ चुपचाप से, मॉड्यूल में इसके ठीक सवाल मिल जाएंगे, वहां से करो मॉड्यूल से, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे वहां से उठाओ, वो आप क्वेश्चंस लगाओ वहां से, ठीक है। और रैंडम कोई आपको टेलीग्राम पे या कहीं से कोई आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा हो, रैंडम स्टडी मटेरियल मिल रहा हो तो वहां से करो। पर ये याद रखना जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन करना, सीबीएसई के हिसाब से तैयारी करो सीबीएसई के हिसाब से करना, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर आप तैयारी कर रहे हो अपना आईआईटी के हिसाब से तो आईआईटी, और उसमें भी देखना मेंस के हिसाब से और एडवांस के हिसाब से, तो उस हिसाब से क्वेश्चन उठाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनने बैठे ना क्वेश्चन बहुत हार्ड भी बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान भी बन सकते हैं। अगर नीट के लेवल की तैयारी कर रहे हो तो नीट के क्वेश्चन ही उठाना, या फिर नीट और आईआईटी मेंस वालों को मैं एक साथ रखता हूँ, नीट और आईआईटी मेंस वालों को मैं एक साथ एक कैटेगरी में रख सकता हूँ, कि अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं नीट के तो आप नीट, अगर आप तैयारी कर रहे हो नीट की तो सिर्फ नीट या फिर आईआईटी मेंस के लेवल के ही क्वेश्चन लगाना, क्योंकि ये आपके जो है वो लैब इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनकी कोई सीमा नहीं है हार्ड होने की और कोई सीमा नहीं है आसान होने की। तो आसान तो मैंने आपको पढ़ाई के सबसे पहले क्वेश्चन आसान था, उसके बाद मैंने आपको जो दो क्वेश्चन कराए बहुत ही आपके मतलब अच्छे कैटेगरी क्वेश्चन, आसान बिल्कुल नहीं थे। आई होप कि आज ये क्लास हर बच्चे को अच्छे समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी वो पढ़ेंगे आपका पोटेंशियोमीटर, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आसान भी है थोड़ा सा हार्ड भी है, हार्ड पार्ट क्या है वो भी देखेंगे, आसान पार्ट तो आप लोग कर ही दोगे मेरे पढ़ाने के बाद में। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ आपको लॉलीपॉप चुसानी है कि भाई आसान आसान क्वेश्चन दे दो और मैं क्वेश्चन करके आ जाऊँ और मेरी क्लास में एक अच्छा सवाल मेरे से हो जाए तो बस नहीं, मतलब वो है कि आप अगर कम से कम अपने लेवल के थोड़े से ऊपर लेवल पर के सवाल लगा पाओ तो आपने पढ़ाई की है रियल, वो हम कल पोटेंशियोमीटर में देखेंगे और समझेंगे। आई होप कि आज क्लास से कुछ समझ आएगी। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे या मुझे अलग से आप पूछ सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन।